इन्वेस्टर बड़ी तादाद में आने लगे हैं। और जो वरुण बेवरेज लिमिटेड, जिन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट बिहार में किया मेरे उद्योग मंत्री बनने के बाद, और पहले से ये कोशिश कर रहे थे, नीतीश कुमार जी की सरकार जब बनी तभी से बहुत से इन्वेस्टमेंट के प्रपोज़ल आए। और जो बरौनी में हमारा वरुण बेवरेज पेप्सी का प्लांट बन रहा है, वहाँ करीब 500 से 700 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलने वाला है और हज़ारों लोगों को बाहर जॉब मिलेगा। तो रवि जयपुरिया साहब अपने जीवन में दूसरी बार पटना आए हैं। आज मेदांता में जो डॉक्टर त्रहन के साथ वो अस्पताल का इनॉग्रेशन हुआ है, उसमें ये भी इन्वेस्टर हैं, तो वो उस नाते आए। और यहाँ पे लेमन ट्री होटल ब्रांड भी इनका वो है, जो यहाँ लोकल पार्टनर के साथ है। और हॉस्पिटल में भी डॉक्टर त्रहन के साथ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज इन्होंने बताया है कि वो पल्प में, लीची के जूस में, मैंगो के जूस में, आइसक्रीम में, डेयरी के प्रोडक्ट में, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर है। और रवि जयपुरिया साहब खुद यहाँ आए हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं 20-25 साल से। आज वो उद्योग विभाग में आए और जो कठिनाइयाँ थी वो सब हमने दूर की है, तो हम इनका स्वागत करते हैं। पहले ही मैंने असेंबली में कहा था कि कोई अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम उसका रेड कारपेट वेलकम करेंगे। तो पहले पेप्सी का प्लांट तो इन्होंने लगा दिया, जो करीब फरवरी से मार्च में इनॉग्रेट भी हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि बिहार में उद्योग कब लगेगा, उन सबको निमंत्रण देंगे उद्घाटन के अवसर पर, वो देखें। और वहाँ जो रोज़गार मिलेगा वो बिहार के नौजवानों को एक बड़ी सौगात होगी। और भी जो इनका इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें भी बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। मैं बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी गारंटी इस बात की देता हूँ कि बिहार में कोई दिक्कत सरकार की तरफ से नहीं होगी। ईज एंड डूइंग बिजनेस में बिहार सबसे आगे, जो कठिनाई होती है उसको हम पूरा करते हैं। इन्होंने रोड की बात कही थी, हमने तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ उद्योग और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग की